हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं होंडा एक्टिवा के ऊपर, जिसको कि हमने रिस्टोर किया है, जो कि काफ़ी ख़राब हालत में था। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से कंडीशन थी और किस किस तरह से हमने उसको काम करके रिस्टोर करा है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इस होंडा एक्टिवा की किस तरह की कंडीशन हो गई है। सभी पैनल्स पर से पेंट हटने की वजह से कोरोजन भी स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं सभी पैनल्स की हालत कितनी बुरी हो चुकी है और काफ़ी जगह से तो पैनल टूट भी गए हैं इसके। देख सकते हैं किस तरह के साइड के मडगार्ड पर भी डेंट आ गए हैं अब, और पूरे स्कूटर पर डोमेस्टिक पेंट के ड्रॉप्स हैं। और देखिए दोस्तों, ये साइड में भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा डेंट हैं। और इसका साइड स्टैंड देखिए दोस्तों, इस पर भी कोरोजन स्टार्ट हो गया है। और इसके नीचे सरफेस जो अंदर निकला था पैनल, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोरोजन था। और देख सकते हैं इसके फ्लोर पे भी कितनी बुरी कंडीशन में हो चुका है। फ्लोर की हालत देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं ये फ्रंट वाइजर भी इसका टूट गया है। आइए अब हम इसकी डिसअसेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस स्कूटर को पूरा डिसअसेंबल करने के बाद अच्छे से इसको पूरा दो बार वॉश किया, उसके बाद ये क्लीन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन गंदी थी इसकी। और देख सकते हैं ये भी बॉडी क्रैक है इसकी, यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी, यहीं इसी जगह से क्रैक है और भी काफ़ी जगह से बॉडी पैनल क्रैक है। और अब इसके देखिए डेंटिंग वर्क स्टार्ट हो चुका है। और आप वीडियो में बने रहिए आगे तक, आपको वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इसी तरह का अपने व्हीकल में वर्क कराना है तो आप हमारे वर्कशॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर वर्कशॉप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ पैनल्स क्रैक हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से, जिसको कि हम वेल्डिंग करके रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ डालता रहता हूँ और बहुत अच्छे पोस्ट डालता रहता हूँ, जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर DM भी कर सकते हैं और आपको इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हम बॉडी फिलर को अप्लाई करते हुए वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, तो अब आप उसके आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम बॉडी फिलर को ड्राई सैंड कर रहे हैं। दोस्तों, जब पैनल पुराना और डेंटेड हो जाता है तो कुछ केसेस में बॉडी फिलर और पुट्टी की हेल्प से पैनल को प्रॉपर शेप दी जा सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी होती है कि पैनल पर अगर पुट्टी अप्लाई हो जाती है, बॉडी फिलर अप्लाई हो जाता है, तो उसकी पैनल की लाइफ कम हो जाती है। बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पुट्टी और बॉडी फिलर को सही तरह से अप्लाई किया जाए तो पैनल की लाइफ पर कोई भी फ़र्क नहीं आता। पुट्टी फिल करने के बाद, सभी पैनल्स की सैंडिंग करने के बाद, हम इस पर सरफेसर का कोट करेंगे। सरफेसर का कोट करने के बाद हमने इस पर एक और सरफेसर का कोट किया, जो कि हमारे पेंट से मिलता जुलता था। और वो हमने इसलिए किया जिससे कि अगर इस पर कहीं पर भी माइनर पिट्स रह गए हैं तो वो हम पुट्टी फिल करके ठीक कर सकें। अब
हम इन सभी पैनल्स पर पुट्टी फिलिंग और सैंडिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। अब हम सभी पैनल्स पर बेस कोट दो बार अप्लाई करेंगे, जिससे कि सभी पैनल्स पर अच्छे से कवर हो जाए। और पैनल्स को खोलकर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि सभी पैनल्स के कॉर्नर्स पर पेंट अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम सभी पैनल्स पर क्लियर कोट अप्लाई करेंगे और क्लियर कोट की वजह से ही हमारे सभी पैनल्स को ग्लॉस मिलेगा। अब हमारे सभी पैनल्स पेंट हो चुके हैं। सभी पैनल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रांड न्यू हैं। अब हम सभी पैनल्स को असेंबल करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है हमारा होंडा एक्टिवा। देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया है इसको, किस तरह से किया है आप देख सकते हैं। पास लेकर आओ, देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है। अब दोस्तों, हमने इसमें सीट कवर भी नया इंस्टॉल किया है और ये मोनोग्राम जो देख रहे हैं, इस पर जो टेप लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें मोनोग्राम पुराने ही यूज़ करे हैं। और दोस्तों, ये 3G चिपक रहा है साइड में, इसको भी हम चेंज करके अपग्रेडेड वर्जन लगा देंगे जिससे कि ये स्कूटर न्यू मॉडल लगने लगे। और हमने टेप मोनोग्राम को टेप से ना लगा कर ग्लू से लगाया, इसीलिए टेप को हमने लगाया है। और आप देख सकते हैं कि पेंट कितने अच्छे से ग्लॉस कर रहा है। और दोस्तों, हमने सारी टेल लाइट्स और हेडलैम्प सभी चीज़ हमने पुरानी ही लगाई हैं इसमें, हमने इन्हीं को रीस्टोर कर दिया है जिससे कि ये पेंट के साथ पुरानी ना लगे। दोस्तों, हमने इसमें वाइजर भी हमने चेंज कराया, इसका ओरिजिनल जो था पहले का वो टूट गया था। और काफ़ी सारे छोटे छोटे वर्क किए हैं हमने और कंप्लीट पूरी एक्टिवा की हमने डेंटिंग करी है। ये स्कूटर दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है, 2016 मॉडल है और इस पेंट का नाम है मैजेस्टिक ब्राउन। दोस्तों, ये रफ यूजेज की वजह से ही ख़राब हो गया था स्कूटर, बाकी हमने इसको रिस्टोर कर दिया और कुछ अंदर के इंटरनल वर्क थे वो भी किए। और हमने इसमें मैट ब्लैक पेंट वर्क भी किया है जिसकी वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। हमने इसका साइलेंसर को भी पेंट किया है दोबारा, आप देख सकते हैं टायर वगैरह सब कुछ हमने पॉलिश कर दिया है इसका। इसका डैशबोर्ड भी पूरा फेड हो चुका था दोस्तों, जो ये आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं इसको भी हमने दोबारा रिस्टोर किया है। उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है ये। इसमें एक स्क्रू पहले से भी लगा हुआ था और हमने इसको बाकी और रिपेयर भी कर दिया, आप देख सकते हैं कंडीशन किस तरह की हो गई है। और इसको भी हमने रिपेयर किया है, ये भी टूट गया था इसका। दोस्तों, पेंट इतने अच्छे से शाइन कर रहा है कि इसके अंदर हम भी दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अपनी कार में या किसी व्हीकल में काम कराना है किसी भी तरह का, तो मैं आपको अपने वर्कशॉप का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ऐसी किसी नई वीडियो में। गुड बाय।